बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडिया मसाले वाली। तेल मैंने रख दिया है। अब हम भिंडी पहले फ्राई करेंगे। हमने इस तरह ज़्यादा छोटी नहीं काटी, इसको हम फ्राई करते हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर किया करें। दुआ गो रहा करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। पहले मैं भिंडी को फ्राई करती हूँ, उसके बाद मैं प्याज को फ्राई करूँगी। बहुत सी भिंडी बनती हैं, मसाले वाली भिंडी मैं बना रही हूँ आज। अचारी भिंडी भी बनती है, खट्टी भिंडी भी बनती है, कीमा भिंडी बनती है। गोश्त के साथ आप भिंडी बना सकते हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़ हैं जो आज मैं मसाले वाली बना रही हूँ, जो आम घरों में बनती है। तो ये देखिए हमारी फ्राई हो गया, मैं इसको बर्तन में निकाल लेती हूँ। भिंडी मैंने निकाल लिया, मैं प्याज को फ्राई करते हैं। भिंडिया देखिए निकाल लिया मैंने फ्राई करके। फ्राई होने देते हैं, फिर हम मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज फ्राई हो चुकी है। ये कलर करना प्याज को, इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। ये मसाले इसमें नमक है, मिर्च है, ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर, गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी दही ऐड करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा तकरीबन भुनने वाला है। आप चाहें तो टमाटर ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे ही डाल दिए क्योंकि बिल्कुल ही मैश हो जाएंगे अंदर। बहुत ही मज़े की बनती है। टमाटर थोड़े से महंगे हुए हैं, इसलिए मैंने दही का इस्तेमाल किया। मैंने ये बड़ा टमाटर डाला, दो से तीन चम्मच सिर्फ दही की यूज़ किया। थोड़ी सी भिंडी बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा हो तो जितनी भिंडी हो उतनी ही मैं प्याज लेती हूँ। तो हाँ जी, ये देखें मसाला भुन चुका है। इसके अंदर हम ये भिंडी ऐड करेंगे, ठीक है। ये हरी मिर्ची काटी हुई थी, इनको मिक्स कर। ये देखिए मसाला माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनती है। इसको अब हम रख देंगे स्लो आंच पे। इधर मेरे बच्चे खेल रहे हैं बैट बॉल। सा हाई करो, हैंड वेव करो, मुझे बोलो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ये बीबी ये बैट बॉल खेल रहे हैं। ये देखो क्या हुआ। अच्छा देती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से भिंडी हमारी तैयार है। इसको मैं अब डिश आउट करती हूँ। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसालेदार भिंडी तैयार है। ये देखिए फिर हम कहने पे वही मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह की हम किस किस नेमतों का शुक्र अदा करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। आपके एक लाइक से बहुत खुशी मिलती है मुझे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह हाफिज़।